पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट एट नोवामेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक। आई एम वर्किंग एज अ गायनी रिहैब स्पेशलिस्ट एंड आई यूज्ड टू वर्क विद पाकिस्तान रग्बी यूनियन एज एन एक्स असिस्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी कॉमन इन फीमेल एज वेल एज मैन, लो बैक पेन, कमर का दर्द क्यों होता है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट प्लान है, फिजिकल थेरेपी के थ्रू क्या ट्रीटमेंट प्लान है, ऐसा ट्रीटमेंट प्लान जिसमें हम मेडिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं, सर्जरी अवॉइड की जा सकती है और आराम से ऑर्गेनिक तरीका इख्तियार करके आप जो है कमर के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। कमर के दर्द की वजूहात क्या क्या हैं, इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रीजंस। प्राइमरी जिस तरह आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपका बैड पोस्चर, आपका ज़्यादा देर सीधा बैठना, आपका वज़न उठाना, आपका ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, आपका बाइक पे ट्रैवल करना, सडन जर्की मूवमेंट्स, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री, ये सारा कुछ जो है आपकी प्राइमरी कॉजेज़ के अंदर आ जाता है। सेकेंडरी में कॉजेज़ जो हैं, जो मेडिकल टर्म्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर स्टीनोसिस आ जाना, आपके नर्व का दब जाना, नर्व कंप्रेशन हो जाना, आपका पीरीफॉर्मिस सिंड्रोम उसके अंदर आ गया है, शेटिक पेन आपकी आ गई है, शेटिक नर्व की इम्पिंजमेंट आ गई है उसके अंदर, आपका डिस्क बल्ज आ गया है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लो बैक पेन की तरफ लेके जाती हैं। लॉर्डोसिस आपका एक पोस्चर बन जाता है लो बैक पेन में मुसलसल रहने की वजह से। काइफोसिस भी बहुत सारे लोग इस पे गेन कर लेते हैं, आपके पेल्विक टिल्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंडरी कॉजेस के अंदर आ गई हैं। अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये फीमेल्स के अंदर लो बैक पेन, लेकिन मैन भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं हमारे पास वॉक इन आते हैं तो उनकी कंप्लेंस होती हैं, हमारे लिए नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, हमारे ज़्यादा देर सीधा बैठना मुश्किल है, पांव लटका के बैठना मुश्किल है, चार कदम चलने मुश्किल हो जाते हैं। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, अपने वेट से ज़्यादा हैवी बैग्स उठाने की वजह से, IT डिपार्टमेंट और बैंक वाले लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा देर कंप्यूटर इस्तेमाल करने की वजह से। ये सारे डिफरेंट आपके जो इरेगुलर और बैड पोस्चर्स हैं वो आपकी लो बैक पेन की तरफ आपको लेके जाते हैं। अच्छा, अब इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान दें। अगर आपको मुसलसल लो बैक पेन है, आपके कंधे भी थक रहे हैं, आपको दर्द भी मुसलसल हो रही है, एक पट्ठा आपको ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मसल सोर हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग फील हो रही है, तो आप उसको फौरी तौर पर जो है हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने मसल को हीटिंग की तरफ लेके जाएं। हीटिंग से क्या होता है, आपका मसल रिलैक्स होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस होती है, ठीक है, रिलैक्सिंग की तरफ जाता है, उसके बाद आप उसको स्ट्रेचिंग या मोबिलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। जब पेशेंट हमारे पास वॉक इन होता है और हमें कंप्लेंट्स लेके आता है कि मेरे लिए काम करना मुश्किल है, नमाज पढ़ना मुश्किल, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल, झुक के काम करना मुश्किल, बैठना मुश्किल, पैरों बाहर बैठा नहीं जाता, इस तरह की कंप्लेंट्स उनके पास अमूमन होती हैं, तो हम उनको सबसे पहले हीटिंग की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद फिजिकल थेरेपी में इसका ट्रीटमेंट प्लान यही है कि हम उसको टेंस और EMS इलेक्ट्रोथेरेपी की तरफ लेके जाते हैं। मैनुअली भी इसको कराया जा सकता है और इलेक्ट्रोथेरेपी भी फिजिकल थेरेपी के अंदर है। मैनुअली जी यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी पेन आखिर हो कहाँ रही है, हम उसको सही से सबसाइड करें पेन को, ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट देखें मसल्स का, नर्व्स का, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट प्लान ऑफर कर सकते हैं। गलत डायग्नोसिस, गलत जगह जो है एरिया कवर करेंगे तो कभी भी ठीक ट्रीटमेंट प्लान हम पेशेंट को ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। पेन को सबसाइड कर लिया, उसके बाद देखा कि ये एक्सीडेंटल कॉज तो नहीं है, बाय बर्थ तो कोई कॉज नहीं है, क्या आखिर रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट मुसलसल दर्द का शिकार है, और इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्लान्स किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम मोबिलाइजेशन करा सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम उसको टेंस और EMS अप्लाई करते हैं, हम इंफ्रारेड थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, हम कोल्ड थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, और डिफरेंट फिजिकल थेरेपीज़ के थ्रू जो है हम पेशेंट को लो बैक पेन अवॉइड करने के ट्रीटमेंट प्लान्स ऑफर कर सकते हैं। अब अगर आप भी इस तरह के किसी मसले का शिकार हैं तो आप सबसे पहले अपने पोस्चर पे गौर करें कि आपका पोस्चर क्यों इतना ज़्यादा ख़राब है, उस अपने लाइफस्टाइल के अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स लेके आएं, अपने बैड पोस्चर को गुड पोस्चर के साथ रिप्लेस करें, अपनी रूटीन में जो चीज़ें आपको फील होता है कि आपकी दर्द की वजह बन सकती हैं उनको माइनस करें, ज़्यादा देर पाँव लटका के ना बैठें, ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें, ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, नमाज वगैरह जो है वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ें अगर आपको दर्द हो रही है, आप पैरों बाहर नीचे ना बैठें, वॉशरूम्स में जिस तरह से है जो वो आप कमोड वगैरह का इस्तेमाल करके इसको अवॉइड कर सकते हैं,
उसके बाद जो है आप अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट करें. मोबिलाइजेशन अगर उसका हल है तो वो मोबिलाइजेशन के थ्रू आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा. अदर देन दैट इलेक्ट्रोथेरेपी तो मौजूद है ही, जो मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल फिजिकल थेरेपी में होता है. पेन किलर्स उसी सूरत में लें कि पेन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है. अदरवाइज जो है ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट जो हम ऑफर करते हैं वो फिजिकल थेरेपी ही है. अगर आप भी अपना ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी मेडिकेशन की तरफ अपने ट्रीटमेंट प्लान को लेके आना चाह रहे हैं, शेटिका, स्टेनोसिस, नर्व इंपिंजमेंट और डिस्क बल्ज और ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप भी अभी अपनी अपॉइंटमेंट नोवामेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक के थ्रू बुक कर सकते हैं और ओला डॉक के थ्रू भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से.